नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में रतन पावर के बारे में। रतन इंडिया पावर में 5% की जो है अपर सर्किट लगी है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और आगे भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है ऐसी संभावना यहां पे बन रही है। 17 रुपये 82 पैसे पे इसने जो अपना प्राइस क्लोज किया है, और कल जो है इसमें 84 पैसे की तेजी देखने के लिए मिली है। कल इसमें जो है गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिली, नीचे के साइड में लो भी लगाया 17 रुपये 16 रुपये 40 पैसे का, उसके बाद 17 रुपये 80 पैसे 82 पैसे का सीधा जो है अपर सर्किट में जाके पैक हो गया। अब देखिए यहाँ पे लगभग लगभग वही कहेंगे कि 1:30 बजे के आसपास इसमें अपर सर्किट लगा। अपर सर्किट तो 11:30 के आसपास भी लगा था, लेकिन कई बार छूट रहा था, कई बार लग रहा था, फिर से छूट रहा था, फिर से लग रहा था। फाइनली जो है अपर सर्किट लगा 1:20 पे, और पूरे दिन अपर सर्किट लगा रहा। देखिए अगर एनएससी का केवल बात करेंगे तो 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर जो है इसमें ट्रेड हुआ है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू लगभग 130 करोड़ रुपए आ रही है। आज का अगर डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे हम लोग तो 42.5% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। और वहीं पे बात करेंगे हम लोग तो ये एसएम के स्टेज 3 में भी आ चुका है 21 जून 2024 को, याद रखिएगा आप लोग, 21 जून को ये जो है एसएम के स्टेज 3 में आया है। अब अगला रिव्यू उसका लगभग 10-15 दिन के बाद होने वाला है। लगभग मेरे हिसाब से इस जो अगला हफ्ता आने वाला है उसके शुक्रवार के दिन इसका जो है रिव्यू हो सकता है, और ये एसएम के लिस्ट में स्टेज 2 में एक नीचे और एक स्टेज और नीचे आ सकता है। चार्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो बुलिंजर बैंड अभी भी यहाँ पे हम लोगों को साइडवेज इंडिकेशन दे रहा है। बुलिंजर बैंड का मानना है कि शेयर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी इधर एकदम बिल्कुल सीधा हो चुका है, और ये वाला भी नीचे वाला भी बिल्कुल सीधा हो चुका है, और लगभग लगभग बीच वाला भी बुलिंजर बैंड सीधा हो चुका है। तो जब तीनों सीधे हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कंसोलिडेशन वाला जोन बन जाएगा। थोड़ा बहुत कुल मिला के कहें कि प्राइस जो है सस्टेन करेगा या फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा। बात करेंगे अगर आरएसआई का, तो आरएसआई को मैं आप लोगों को बताया था कि आरएसआई जो है 50 के आसपास आरएसआई का एकदम बढ़िया सा सपोर्ट बन रहा है, और उसी सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए इसने जो है सपोर्ट लिया, और वहीं से इसमें जो है तेजी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, वहीं से तेजी यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। फिर से बोल दे रहा हूँ, 50 के नीचे जब तक आरएसआई नहीं जाता है तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 50 के नीचे अब फिर से आरएसआई जाता है तो सीधा कंटिन्यू 30 पे जाएगा, और फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाएगा 40 तक, फिर से 30 पे जाएगा, फिर से रिट्रेसमेंट दिखाएगा 50 तक, और फिर से 30 पे जाएगा, तो 2-3 बार 30 पे फिर जाएगा, तो ये दिक्कत वाला हो जाएगा। और यहाँ से ब्रेकआउट डाउन दिया तो पहले 30 पे जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा 40 तक, फिर से 30 पे जाएगा, फिर 50 तक रिट्रेस करके फिर से जो है 30 तक जाएगा, तब तक तो प्राइस पता नहीं कहाँ चला जा चुका होगा। तो इस तरह से कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है आरएसआई की माने तो 50 के ऊपर ऊपर है तो सब कुछ सही है, 50 के अगर नीचे आरएसआई गया तो फिर समझ लीजिएगा कि इसमें एक बड़ी सी गिरावट भी देखने के लिए हम लोगों को मिल सकती है। पिछली कैंडल जो मैं आपको जैसे बताया था सेम टू सेम वैसी ही कैंडल बनी हुई है, एकदम परफेक्ट। जो 16 रुपये 50 पैसे का आप लोगों को स्टॉप लॉस बताया था, बिल्कुल वहां से जो एक रिकवरी आई है नीचे के साइड से, और अच्छा सा कैंडल क्लोज किया है। इंटरेस्टिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न भी कल मैं आप लोगों को समझा रहा था, बता रहा था। अब यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बस ऊपर की साइड में और बन जाए, मतलब कहने का यहाँ पे सीधा सीधा है कि 20 DM में मूविंग एवरेज जो 18 रुपये 25 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, बस 18 रुपये 25 पैसे के एक बार कैंडल और ऊपर जाके एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, फिर जो है थोड़ा सा और कन्फर्मेशन हो जाएगा कि नहीं ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है, नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। अभी भी अगर आप लोगों को खरीदारी करना है तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इतना सा ही लगाना है, बड़ा सा स्टॉप लॉस मार्केट को देना ही नहीं है। छोटा सा 16.5 रुपये या फिर भाई 17 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, बस डेली कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे लगाइएगा। आज का क्लोजिंग मतलब जिस दिन ट्रेडिंग कर रहा है उस दिन का क्लोजिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आप लोग सेल करने का डिसीजन लीजिएगा। बस क्लोजिंग बस इसके नीचे 17 या 16.5 के नीचे देता है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशन से, जो नई एंट्री रहेगी उससे। बाकी पुरानी एंट्री तो मैं बहुत पहले से आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवा दिया हूँ, 21 रुपये 22 रुपये पे बहुत पहले से आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया था, और बहुत पहले से मैं आप लोगों को 11 रुपये 9 रुपये 10 रुपये
यहाँ पे भी मैं आप लोगों को 13 रुपये के आसपास भी इसमें खरीदारी करने के लिए बोला था, खरीदारी करने का भी रखा था। तो देख लीजिएगा, आने वाला हफ्ता इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और पूरे मार्केट के लिए आने वाला हफ्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 जुलाई से 5 जुलाई। ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा, ठीक है ना। और बढ़िया सी तेजी यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। पहला टारगेट 23-24 रुपये के आसपास का मिल सकता है। अगर ये टारगेट अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता है, ये लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक होता है, तो फिर इसमें ऊपर की साइड में हम लोग को और भी बड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है, जैसे कि 32 रुपये का, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।